तो वही एक और योगी सरकार है जो प्रदेश की जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग जो सरकार के प्रयासों पर पानी फेरने पर तुला है। झोला छाप डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाओं को दीमक की तरह बर्बाद कर रहे हैं, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है जो अपनी नींद से जागने को तैयार नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। आगरा में झोला छाप डॉक्टरों की तादाद मरीजों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़। न्यूज वन इंडिया की पड़ताल, झोला छाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग मेहरबान, क्या स्वास्थ्य विभाग पर एक्शन लेगी सरकार? रिहायशी इलाकों के फ्लैट में 4 बेड के अस्पताल का संचालन, अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास डॉक्टरों के हाथ में मरीजों की जान, ये दास्तां है आगरा के स्वास्थ्य विभाग की, जहां अगर आप सड़कों पर निकल जाएं, तो आपको हर गली में एक झोला छाप डॉक्टर इलाज के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करता नजर आ जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि इन धड़ल्ले से चल रहे अस्पतालों के पास न तो फायर NOC है, न तो ये अन्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे हैं और ना ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ऐसे में जब न्यूज वन इंडिया ने पड़ताल की तो पता चला कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग खुद इन अस्पतालों पर मेहरबान है, क्योंकि न्यूज वन इंडिया की पड़ताल में 300 से ज्यादा अस्पताल ऐसे मिले जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ ना तो बेहतर सुविधाएं हैं और ना ही बेहतर डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर CMO आगरा द्वारा बिल्कुल दिशा निर्देश दिए हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो अधीक्षक हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये यहाँ हॉस्पिटल है समसमाद में, जहाँ पर लगातार जो टीम है वो यहाँ पर चेकिंग अभियान चला रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में यहाँ पर वो आए हैं जिसमें फायर NOC तमाम चीज़ें हैं, जिस तरीके से लखनऊ में भी अग्निकांड हुआ उसके बाद तमाम लगातार प्रशासन भी इस पर नजर बनाए हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अधीक्षक हैं वह यहाँ पर पूरी मानकों को देख रहे हैं, कितने मानक हैं, और यहाँ पर देखो सबसे बड़ी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये इस हॉस्पिटल में किस तरीके से हॉस्पिटल को बनाया गया है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर वार्ड बना रखे हैं, यहाँ पर मरीजों को भर्ती किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मरीज बाकायदा भर्ती भी हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, न्यूज़ वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है किस तरीके से आगरा में मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान को पूरी तरह खतरा है। हमारे आगरा में धड़ल्ले से चल रहे इन अस्पतालों की तरह ही कई मेडिकल स्टोर भी बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। कई क्लिनिक तो ऐसे भी हैं जहां महंगे अस्पतालों के एजेंट चिकित्सक बनकर बैठे हैं। बुखार, पेट दर्द आदि आम बीमारियों की दवा वे अपने पास से देते हैं और हालात बिगड़ने या भयंकर बीमारी होने पर मरीज को निजी अस्पताल में भेजकर अस्पताल संचालकों से कमीशन प्राप्त करते हैं। लिहाजा जब मामला सामने आया तो नींद से जगे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी निरीक्षण पर निकल पड़े। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सभी में चेकिंग अभियान चल रहा है, उसी के तहत आज हम लोगों की टीम यहाँ पे आई हुई है। तो अभी यहाँ आने पे देखा है कि न तो यहाँ पे कोई डॉक्टर है न कोई स्टाफ है, एक मरीज को भर्ती कर रखा है, 4 बेड पड़े हुए हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, मेडिकल स्टोर पे भी कोई नहीं है, मतलब जिस तरह देखा जा रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी कोई नहीं है और उसके बाद भी मरीजों को यहाँ रखा जा रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि यहाँ एक एक कमरों में चल रहे अस्पतालों में बच्चों के अबॉर्शन का धंधा भी जोर ऊपर किया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने आज तक कभी इस पर संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। यहाँ तक कि हाल ही में हुए लिवाना अग्निकांड के बाद उम्मीद थी कि शायद स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग अस्पतालों की सुरक्षा मानक को लेकर गंभीर होंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आगरा में 400 से अधिक अस्पतालों में सिर्फ 2 या 3 अस्पताल ही ऐसे हैं जिनके पास अग्निशमन विभाग की फायर NOC है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आगरा से न्यूज वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
आगरा में स्वास्थ्य विभाग किस कदर लापरवाह है और अस्पताल माफिया किस कदर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का लाभ उठा रहे हैं, इसका अंदाजा आज से एक साल पहले पारस में हुए ऑक्सीजन कांड से भी लगाया जा सकता है, जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया। मॉक ड्रिल के नाम पर मरीजों के ऑक्सीजन बंद कर दिए गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ था कि मात्र 5 मिनट के मॉक ड्रिल ने अस्पतालों में भर्ती 22 मरीजों की जान ले ली थी। और उस वक्त अस्पताल के डॉक्टरों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो खुद एक मॉक ड्रिल को एक एक्सपेरिमेंट बता रहे थे। अब आपको वो वायरल वीडियो भी हम देखे लगातार दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन कांड की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। जांच के बाद व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं जाएगा, दिमाग मत लगाओ, छोड़ो, अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेड लाइन पे। एक ट्रायल मार दो, तो फिर एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे से, मॉक ड्रिल हुई संतोष नंद, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज तुरंत खोल दिए थे, 22 मरीज छट गए, मरेंगे। कितनी देर के लिए मॉक ड्रिल करा? 5 मिनट के, 5 मिनट में 22 मरीज मॉक ड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे, ओहो 22 की मॉक ड्रिल में 22 छट गए, चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा, फिर वो सलाह अपना सिलेंडर लाओ। अब आगरा में चल रहे अवैध अस्पतालों और अस्पतालों के खस्ता हाल के साथ साथ पारस हॉस्पिटल की मौजूदा स्थिति पर हम अपने सहयोगी से चर्चा करें। उससे पहले आपको बता दें कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वही वीडियो था पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कांड के बाद जो सामने आया था। तो देखिए, मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग जो है मेहरबान नजर आ रहा है। जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग जो है आंख मूंद कर बैठा है। किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब संज्ञान लिया जाता है शहर में, क्योंकि बिना फायर एनओसी के 400 अस्पताल संचालित है जो मानकों के विपरीत चल रहे हैं अस्पताल, उन पर कब तक शिकंजा कसा जाता है और किस तरीके से अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण करते हैं ताकि मरीजों की जान के साथ यूं ही इस तरीके से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि हर एक जान कीमती है और जिंदगी को महत्वपूर्ण समझते हुए डॉक्टर्स पर और हॉस्पिटल्स पर निगरानी रखने की जरूरत है। और उस दिशा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार आगरा में ये खुलासे हो रहे हैं कि बिना मानकों के ही ये अस्पताल संचालित हैं, जहां फायर एनओसी नहीं है और जो तमाम मानक हैं तय किए गए हैं अस्पताल के संचालन के लिए, वो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं अस्पताल, बावजूद इसके जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी आंखें मूंदे बैठा है। तो स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है और कैसे ऐसे अस्पतालों पर शिकंजा कसा जाता है, झोला छाप जो डॉक्टर हैं उन पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाता है ताकि मरीजों की जान बच सके, और जिस उम्मीद के साथ मरीज पूरे भरोसे के साथ जाते हैं उनके साथ किसी भी तरीके का विश्वासघात ना हो, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग इस तरीके के जो झोला छाप डॉक्टर हैं और जो ऐसे अस्पताल हैं जो कि बिना मानकों के ही संचालित हैं उन पर कड़ा शिकंजा कसा जाए और उनके जो तमाम मानक हैं उनको चेक किया जाए और उसके बाद बड़ी कार्रवाई उसी के आधार पर की जाए। लेकिन फिलहाल जो आगरा से तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया ने देखी है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची आगरा और किस तरीके से देखिए खुलासे सामने आए कि एक एक कमरे में अस्पताल चल रहे हैं, मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहां डॉक्टर्स ये बताया जा रहा है कि ट्रेंड नहीं है, बावजूद इसके वो डॉक्टर हैं और लगातार इलाज भी कर रहे हैं। अब ऐसे डॉक्टर्स के हाथ में अगर मरीजों की जिंदगी रहेगी तो मरीजों के साथ की जान के साथ क्या ये सीधा खिलवाड़ नहीं है? ये बड़ा सवाल न्यूज़ वन इंडिया इस वक्त उठा रहा है।
फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग क्यों मेहरबान है, क्या अभी तक स्वास्थ्य विभाग के कानों में क्यों कोई जू तक नहीं रहेंगी, ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है न्यूज वन इंडिया का। और इसी के साथ जो तमाम जो मानक बनाए गए हैं, अगर उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो क्या ऐसे ही संचालन चलता रहेगा धड़ल्ले से और स्वास्थ्य विभाग शांत रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर झोला छाप डॉक्टरों की अब जिस तरीके से खबर न्यूज वन इंडिया ने उजागर की है, उसके बाद इन झोला छाप डॉक्टरों पर क्या संज्ञान लिया जाता है, कैसे इनका जो संचालन है वो बंद कराया जाता है, और ताकि मरीजों की जान जो है बेशकीमती जान जो है वो बच सके और मरीजों की जान के साथ इस तरीके से कोई भी खिलवाड़ ना हो सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा। तो आखिर कब नींद से जगेगा स्वास्थ्य विभाग, ये सबसे बड़ा सवाल है। शहर में बिना फायर एनओसी के 400 अस्पताल संचालित हो रहे हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी और संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। कृष्णा, देखिए किस तरीके से ये जो पूरे मामले सामने आ रहे हैं, आगरा में जो तस्वीर उजागर हो रही है वो बेहद ही हैरान करने वाली है कि स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है और इस तरीके से बिना मानकों के जो है अस्पताल संचालित है, डॉक्टर्स अनट्रेंड हैं, क्या कुछ संज्ञान इसमें लिया जा रहा है, क्या ग्राउंड जीरो पर आप तस्वीर देख रहे हैं? आगरा में कई तरह की यहाँ पर खाना, आगरा में कई हॉस्पिटल एक एक कमरे में संचालित है, कई हॉस्पिटलों में 10 बेड। कृष्णा देखिए आपकी ऑडियो ठीक तरीके से नहीं आ रही, उसे दुरुस्त कराते संदीप का रुख कर लेते हैं तब तक। संदीप देखिए ये जो पूरे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें साफ साफ स्वास्थ्य विभाग की जो बड़ी लापरवाही है वो भी उजागर हो रही है, क्या संज्ञान लिया जा रहा है और कैसे बचाई जाएगी मरीजों की जान जब दसवीं पास जो डॉक्टर है वो इलाज करेंगे तो? संदीप मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए शायद संदीप तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से कोशिश करेंगे दोनों के साथ संपर्क साधने की, क्योंकि बड़ा ये पूरा मामला है और इस पर देखिए न्यूज वन इंडिया इस पूरी खबर से पर्दा उठा रहा है कि खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से लापरवाही हो रही है। और देखिए हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप देखिए किस तरीके से मानकों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है? तो देखिए आपको बताते चले कि लगातार न्यूज इंडिया इस खबर को उठा रहा है और रियलिटी चेक में ये सामने आया है कि जो मरीज है उनके साथ किस तरीके से डॉक्टर्स जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहा तो ये जाता है कि डॉक्टर को धरती पर भगवान माना जाता है, लेकिन अगर हर कोई भगवान बनकर और इलाज करेगा तो यह कहना उचित नहीं रहेगा। अगर आगरा और देहात की बात करें तो यह 300 से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जो कि बिना अग्निशमन फायर एनओसी के चल रहे हैं, उनके मानक पूरे नहीं है, एक कमरे में हॉस्पिटल चल रहे हैं, छोटी छोटी केबिने बनाकर मरीजों को देखा जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ओवरटाइम और डिलीवरी का काम भी धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो आशाएं होती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, उनकी एक अहम रोल रहता है, क्योंकि उनका कमीशन का खेल वहां पर पूरी तरह सेट होता है। जब कोई डिलीवरी कराने हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां की आशाएं उनको हॉस्पिटल की जगह कमीशन की जगह दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भेजती है, जहां पर उनसे मोटा रुपया ऐठा जाता है। तो कहीं ना कहीं मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और न्यूज वन इंडिया बार बार यही सवाल उठा रहा है, स्वास्थ्य विभाग से यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण नीति से कब जागेगा, ऐसे डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी। तमाम लैब है, डॉक्टर्स है, वो एक एक कमरे में अपनी लैब चला रहे हैं, उनके पास ना ही कोई मानक पूरे है, ना ही अग्निशमन विभाग से फायर की एनओसी है। लवानिया कांड होने के बाद डीएमओ ने आदेश किया, हॉस्पिटलों को चिन्हित किया, लेकिन उसके बाद भी फिर मामला वहीं की वहीं रहा, उन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, आप देखिए संदीप न्यूज वन इंडिया के माध्यम से जब इस तरीके की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है तो किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संज्ञान लिया जाता है और क्या कार्रवाई की जाती है ताकि जो मरीजों की बेशकीमती जान है वो सुरक्षित हाथों में रहे और ऐसे डॉक्टर्स उन मरीजों का इलाज ना करें जो खुद दसवीं पास है, और पूरी तरीके से अब इसका कैसे खुलासे पर संज्ञान लिया जाता है ये देखना होगा।
बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए।